ये मंदिर कब से है यहाँ पे? ये मंदिर हमारी 12वीं पीढ़ी चल रही है और 12वीं पीढ़ी हमारी चल रही है, 8 पीढ़ी तक का रिकॉर्ड हमारे पास। ये लगभग 2000 वर्ष से हम सुन रहे हैं। इस मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर की मान्यता है कि मंदिर की तालाब जो है पक्का तालाब था जिसमें लोग नहा, मतलब जो है बाबा का जो शिवलिंग का जल चलता था वो सीधा तालाब में जाता था। अब बम्बा था, बम्बे का पानी तालाब में आता था तो उसमें तालाब में नहाने से जो लोगों के कुष्ठ रोग हो जाते थे, नाना प्रकार के मतलब रोग हो जाते थे, घर में परेशानियां लोगों को होती थी वो सब दूर हो जाती थी, कुष्ठ रोग खत्म हो जाता था। आज की तारीख में ये मंदिर तालाब है? तालाब है लेकिन सब पाट दिया, तालाब तो है। ये जिस समय मंदिर बना था उस समय इसमें कितनी जगह थी? उस समय इसमें करीब 25-30 बीघा 40 बीघा घूम सकती। आज की डेट में क्या उतनी जगह है यहाँ पर मंदिर में? क्या हुई वो जगह? वो जगह माफियाओं ने कब्जा कर ली, कुछ किसी ने कब्जा कर ली और रिकॉर्ड हमारे पास है, कागज है तो हमारी दादी के नाम चढ़ी थी, बाबा का नाम चढ़ी, कुछ जमीन हमारे पिताजी के नाम चढ़ी नहीं। तो लोगों ने जो सभापति थे, जो यहाँ प्रधान थे, मतलब जो पिछले समय में, उन्होंने सब जो है मंदिर की जमीन कब्जा कर ली, कब्जा करके सब बेच ली, कार्रवाई करी तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमें जेल भिजवा दिया गया, 3 बार हमले हो चुके हमारे ऊपर। क्या सरकार की तरफ से इतना प्राचीन मंदिर होने के बावजूद आपको इस मंदिर के लिए किसी प्रकार की कोई सहायता मिली? कोई सहायता नहीं। अभी पिछली बार सतीश निगम जी विधायक थे कल्याणपुर से, तो वो जीते थे तो उन्होंने कहा कि जो है हम मंदिर में जो है जो कच्ची जमीन है उस पर इंटरलॉकिंग कराएंगे और ये नल लगवाएंगे। 6 महीने बाद जब जीते थे तब आए थे उन्होंने कहा, उसके बाद फिर उन्होंने यही शब्द कहे जब आए, उसके बाद में फिर हमने उनसे संपर्क किया तो फिर वही आश्वासन मिला। उसके बाद आशा देवी मंदिर में कार्यक्रम था तो उन्होंने पब्लिक के जनता के सामने यह सूचना दी कि हम बाबा सोमनाथ मंदिर में हमने हर जगह काम कराए हैं, बाबा सोमनाथ मंदिर में इंटरलॉकिंग करवाएंगे, हैंडपैप लगवाएंगे, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन जब उसके बाद हम वहाँ गए, उनसे संपर्क किया, उसके बाद में स्टेशन के पीछे नाले को लेकर वो जो है लोगों के मकान बने हैं तो मकान ऊपर, मकान है नीचे और सड़क हो गई ऊपर, इस तरीके से उन्होंने सब काम कराया और जो है मंदिर का आश्वासन देते रहे। 100-150 बार हमने फ़ोन किया लेकिन कोई उचित नहीं, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, भेज से पूछा रहा हूँ। महाराज इस मंदिर का इतिहास क्या है और किसने इसका निर्माण कराया? इस मंदिर का इतिहास ये है कि हमारे पूर्वज जो चले आए, हमारे पूर्वज जो रहे हैं उनके हमारे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी के जो है और यहाँ पे कुछ बंजारे आए हुए थे, ये पूरा खंडहर था तो बंजारे आए तो ये जो है बाबा सोमनाथ, बाबा नीलकंठ, बाबा अमरनाथ जी का मंदिर जो है ये सब जमीन से निकली हुई है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ बंजारे आए तो हमारे जो है पर बाबा लोग पूजा वूजा करते थे, पांच वही थी तो पूजा वूजा करते थे तो कुछ बंजारे यहाँ पे चीनी ले के आए तो यहाँ ठहरे। पुराने कानपुर जाते थे व्यापारी सब, चीनी और सब मतलब जो व्यापारी लोग तो यही रुकते थे, अपने यही इसी जगह इसी बाबा सोमनाथ के स्थान पर रुकते थे। तो बाबा आरती कर रहे थे, आरती करके जब बाहर आए तो प्रसाद दिया सबको, जल दिया तो बाबा ने पूछा इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा इसमें नमक है, तो बाबा जान गए इसमें चीनी है, झूठ बोल रहे नमक है। तो बाबा ने जो है कलसे का पानी जो मतलब भोग लगा था बाबा का वो पानी उसमें खींच दिया, छिड़क दिया। छिड़कने के बाद जब वो व्यापारी जब सुबह उठे तो जब पुराना कानपुर माल लेके गए बोरे लगवा कर बग्घी से बैलगाड़ियों से वहाँ पहुँचे तो जब बोरा खोला तो वहाँ सब पूरा नमक हो गया, तब व्यापारी जो है सब परेशान हो गए, पीड़ित हो गए काफ़ी। तो वापस जो है वो शाम को यहाँ सोमनाथ मंदिर आए तो उन्होंने बाबा क्षमा मांगी कि बाबा ये हमारा चीनी के भाव अगर बिक जाएगा तो यहाँ का निर्माण कराएंगे। तो दूसरे दिन वे कलश का पानी लेकर उस पर जल छिड़का तो वो चीनी बन गई, चीनी के भाव बिक गया, चीनी भी बन गई, तो उन्होंने इस मंदिर का पूरा निर्माण कराया।